पे नजर आ रही है, लेकिन अब ये गिरावट आ जाने के बाद दीपांशु एक बड़ा सपोर्ट है स्टॉक के लिए, और ये सपोर्ट जो है वो 191 के आसपास है, 191 अभी भाव हो गया 193। मुझे लगता है कि 191 का लेवल अगर स्टॉक होल्ड करता है तो थोड़ी वॉलिटिलिटी रहेगी, लेकिन 191 का बड़ा मेजर लेवल है जो मुझे नहीं लगता कि अभी तुरंत टूटना चाहिए। तो फिलहाल वेट एंड वॉच करें, जिनके पास पहले की पोजिशन है 191 के आसपास स्टॉप लॉस रखें, फिलहाल वेट करें। ऑलराइट, ये है आपके लिए गेल। मार्जिन्स भी काफी खराब है, 11% के आपको मार्जिन्स आते हुए दिख रहे हैं। अनुमान यहाँ पर 11.5% का था, 11.2% से 11.5% बढ़कर आने का अनुमान था, यहाँ तो 11.2% से गिरकर 11% के मार्जिन्स हैं। डिसअपॉइंटिंग नंबर अनिल जी, बेहद खराब से, मतलब डिसअपॉइंटिंग थोड़ा छोटा वर्ड है, ज्यादा खराब नंबर है दीपा। मतलब आप देखिए ना, मार्जिन्स ठीक है, 11.6 से 11%, आधा परसेंट से ज़्यादा कमाए हैं, हालांकि आधा परसेंट भी कम नहीं होता इतना सोचें, लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रॉफिट में जो कमी आई है, 2180 करोड़ आया है सिर्फ, और ये तब है जबकि ऑलरेडी पिछले साल इस तिमाही से हम कम प्रॉफिट की उम्मीद कर रहे थे, जहाँ 2850 के सामने 2800 करोड़ की ही उम्मीद थी, वहां पर अगर 2200 करोड़ से नीचे का प्रॉफिट आ रहा तो प्रॉफिट में बड़ा मिस है, बड़ा मिस है। और इसीलिए स्टॉक पर बड़ा कट आपको देखने को मिल रहा है। ऑपरेशनली मार्जिन्स खराब होने से एक वहां नुकसान हो गया, रेवेन्यू आपका बढ़कर आया नहीं, 3% की उम्मीद थी कि घटेगा, ये 3% से कहीं ज्यादा घट गया। ये तो रेवेन्यू भी आप देखिए, 34,200 करोड़ से 32,300 करोड़, यानी कि 2,000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू घटा है। तो ऑलराउंड खराब परफॉर्मेंस जिसे कह सकते हैं आप, आती हुई काफ़ी कमज़ोर है दीपक, काफ़ी कमज़ोर है, मज़ा नहीं आया, डिसअपॉइंट, ये डाउनग्रेड टाइप है। जितने बढ़िया नंबर से एचएल के, उतनी खराब नंबर आपके गेल के हैं। रेयर पीएसयू कंपनीज जिसने इस बार एक्सपेक्टेशन मीट नहीं करी है, ज्यादातर पीएसयू नंबर्स ठीक आ रहे हैं इस बार के, बट ये तो बहुत ही खराब है, मतलब काफी ज्यादा खराब है। कितना नीचे है स्टॉक? 4.5% बनता है, 4.5% नीचे है, तो ये उसी वजह से नीचे, ऑल फ्रंट ऑन ऑल फ्रंट इट इज डिसअपॉइंटिंग। आइए इसमें जल्दी से एक बार, हाँ मैं इसलिए बता चुका, लेकिन बैंक निफ्टी का जल्दी से एक बार बता दूँ, 47,325 47,525 सपोर्ट।